नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पे से 8 अक्टूबर और रविवार, राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने फिर से देर रात 53 आरएएस बड़े अधिकारियों के किए तबादले। राजस्थान में आचार संहिता लगने से पहले सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में बदलाव किया है। राज्य सरकार ने फिर से देर रात 53 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। इसमें 27 से ज्यादा फील्ड ऑफिसर यानी उपखंड अधिकारियों के बदला गया है। वहीं आरएएस सूची के अलावा ट्रेनिंग पर चल रहे एक आईएएस अधिकारी का भी तबादला किया गया है। तबादला होने के बाद सभी आरएएस अफसरों को तत्काल नई जगह पर जाकर ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा चुनावों की आचार संहिता कभी भी लग सकती है, इसीलिए सभी अफसरों को बिना समय लगाए नई पोस्ट पर ज्वाइन करने को कहा गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम गहलोत बोले जातिगत जनगणना नहीं, सर्वे करवाएंगे। सीएम ने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले बड़ा किया ऐलान। राजस्थान में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। सीएम गहलोत ने अब जातिगत जनगणना की जगह सर्वे करवाने की घोषणा कर डाली है। गहलोत ने कहा है कि हम सर्वे करवाएंगे, इसके आदेश तो तत्काल लागू कर देंगे। गहलोत शनिवार को जयपुर में ये मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि सर्वे होगा, जनगणना तो भारत सरकार करवा सकती है, वो राज्य सरकार नहीं करवा सकती। ये खाली सर्वे हो रहा है परिवारों का, जिससे आर्थिक स्थिति मालूम चल जाएगी कि हमारी पार्टी का कमिटेड है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे आर्थिक हिस्से के आधार पर। आचार संहिता से जातिगत सर्वे अटकने के सवाल पर सीएम गहलोत ने ये बड़ा जवाब दिया है। साथ ही इसी दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास हमारे फैसलों की आलोचना के अलावा कोई शब्द नहीं है, इसीलिए लाल पीली डायरी करते रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम खुद ने हमारी योजनाओं को स्वीकार किया है कि वास्तव में गहलोत सरकार ने जो योजनाएं निकाली है ये काबिले तारीफ है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल की ओपीडी इमरजेंसी हुई बंद, 400 से ज्यादा हॉस्पिटल में मरीज हुए परेशान, जांच सेंटर भी नहीं खोले गए। जयपुर में शनिवार को सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में ओपीडी और इमरजेंसी सर्विस बंद रही है। इसके कारण 400 से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों और छोटे बड़े नर्सिंग होम में मरीज परेशान होते रहे हैं। इसके साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों के एसोसिएशन ने बताया है कि अब आंदोलन और तेज करने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल सभी विरोध कर रहे हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, क्या राजस्थान में इस बार थर्ड फ्रंट बनेगा किंग मेकर? 5 पार्टियां 5-4 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी कांग्रेस को चुनौती देने को तैयार। राजस्थान में कभी भी तीसरे मोर्चे की सरकार नहीं बन पाई है। पिछले 30 साल से भी लगातार भाजपा या कांग्रेस की सरकारें बनती आ रही हैं। हालांकि इस बार तीसरे धड़े की 5 पार्टियां 50 से ज्यादा सीटों पर खेल हैं वो बिगाड़ेगी। इनकी चुनौती को देखते हुए सियासी गलियारों में थर्ड फ्रंट बनने की पूरी चर्चा है, जिसमें आम आदमी पार्टी, बीएसपी, आरएलपी, भारतीय आदिवासी पार्टी, बीटीपी, माकपा और एमआईएम जैसी तमाम बड़ी पार्टियां हैं जो 100 से ज्यादा सीटों पर टक्कर बता रहे हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, वन नेशन वन एक्सटेंशन, चाइल्ड लाइन 1098। केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने साइड लाइन 1098 का अधिग्रहण कर गृह मंत्रालय के इमरजेंसी रिस्पांस नंबर जारी किए हैं, जिसके नंबर 112 है। वन नेशन वन हेल्पलाइन की तर्ज पर काम करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। दावा है कि साइड लाइन के टेक ओवर के बाद संकट में फंसे बच्चों की रिलीफ और रिस्पॉन्स टाइम घट जाएगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अक्टूबर में बढ़ेगी गर्मी, तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर रहने की संभावना। राजस्थान में तापमान में उतार चढ़ाव शुरू हो गया है। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में अधिकतम तापमान 37 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस बीच रहने की संभावना है। धौलपुर, करौली, हनुमानगढ़, गंगानगर में कल का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। मौसम विभाग ने अगले 8 से 10 दिन तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने और तापमान सामान्य से 3 डिग्री तक ज्यादा सेल्सियस से ज्यादा रहने का अनुमान जताया गया है। ये जानकारी जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने दी है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, चुनावी साल में सीएम अशोक गहलोत की ताबड़तोड़ घोषणाएं, 8 बोर्डों की गठन को दी स्वीकृति। चुनावी साल में मुख्यमंत्री गहलोत एक के बाद एक ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं और इसके जरिए कांग्रेस की सियासी जमीन को मजबूत करने में जुगत लगे हैं। पहले महिलाओं, फिर कर्मचारियों ने कई घोषणाएं की, उसके बाद 3 नए जिलों का तोहफा, अब 8 विभिन्न बोर्डों के गठन को स्वीकृति देकर उन्होंने जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने 8 बोर्डों के गठन को स्वीकृति दी है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, इधर चुनावी माहौल के बीच एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्यवाही, 1 महीने में 125 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ और नकदी जब्त।
राजस्थान में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। राजस्थान में जांच एजेंसियों ने पिछले एक महीने में 125 करोड़ रुपए की मादक पदार्थ और शराब चोना नकदी पकड़ी है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर पेट्रोल डीजल के भावों को लेकर आ रही है। दरअसल आज फिर बदल गए पेट्रोल डीजल के दाम, गाड़ी में तेल भरवाने से पहले दाम जान लें। आज यानी 8 अक्टूबर को तेल की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। कुछ राज्यों में हालांकि तेल की कीमतों में बदलाव हुआ है, जैसे झारखंड है। इस वक्त देश में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में मिल रहा है, लेकिन राजस्थान की सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट लगाई हुई बैठी है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर हाईफाई सुविधाओं फिर भी आधी खाली दौड़ रही है। वंदे भारत सामने ट्रेनों में पांव रखने की जगह नहीं। रेलवे प्रदेश में एक बाद एक वंदे भारत ट्रेन दौड़ाकर वाहवाही बटोर रहा है। दूसरी ओर यात्रियों का इनमें मोह भंग होता नजर आ रहा है। स्थिति यह है कि लग्जरी सुविधाओं से भरपूर और सेमी हाई स्पीड ट्रेन होने के बावजूद भी यात्री इनकी बजाय नियमित दौड़ रही अन्य सुपरफास्ट ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। दरअसल इसका कारण बताया जा रहा है, वंदे भारत ट्रेनों में सफर से यात्रियों का मोह भंग होने की वजह है किराया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक जयपुर से दिल्ली कैंट का स्लीपर क्लास का किराया 230 रुपए होना चाहिए, लेकिन वंदे भारत में 825 रुपए किराया लिया जा रहा है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर लाल डायरी के नाम पर सिर्फ तमाशा किया, गुड्डा बोले नहीं लाल डायरी में कई राज छिपे हैं, समय आ गया है नए खुलासे जल्द ही करूंगा। लाल डायरी के प्रकरण को लेकर फिर से राजेंद्र गुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने भाषण में लाल डायरी का जिक्र किया था, जबकि सीएम गहलोत कह रहे हैं कि लाल डायरी की साजिश भाजपा दफ्तर में रची गई है। ये डायरी सदन में लहराने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा से बिजेंद्र सिंह शेखावत की बीच बातचीत हुई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर आचार संहिता से पहले गोली सी गति, 5 डे वीक वाले दफ्तरों में दिन रात काम किया जा रहा है, छुट्टी के दिन भी काम। 5 डे वीक व्यवस्था लागू है, लेकिन हाल ही के दिनों में सामने आया है कि इसके काम की गति सियासत के मिजाज पर निर्भर करती है। पिछले एक महीने से इन दफ्तरों में दिन रात काम हो रहा है। दरअसल पूरे राजस्थान के अंदर कर्मचारी पिछले 5 साल से ज्ञापन, धरने, प्रदर्शन जैसे प्रयास कर रहे थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। उनकी फाइलें ताबड़तोड़ निकाली गई हैं। ये थी राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।